बरेली हिंदू युवा विहायनी के मीरगंज तहसील प्रभारी एवं अस्पताल संचालक संजय सिंह भदौरिया की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। दुमका टाउन में अपने अस्पताल के बाहर सो रहे भदौरिया पर रात में नकाबपोश हमलावर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए और भाग निकला। सुबह कत्ल का पता लगा तो इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने कुछ ही घंटे के बाद कातिल को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस प्रेम संबंधों के शक को लेकर पैदा हुई रंजिश में हत्या की बात कह रही है। बरेली में हिंदू युवा विहायनी के नेता की हत्या के बाद मौके पर छानबीन करती पुलिस और इंसेट में मृतक संजय सिंह भदौरिया। पुलिस के मुताबिक जघन्य हत्याकांड का शिकार हुए संजय सिंह भदौरिया शाही थाना क्षेत्र गांव के आनंदपुर के रहने वाले थे। वे हिंदू युवा विहायनी से जुड़े थे और मीरगंज तहसील क्षेत्र के संगठन के प्रमुख थे। क्या है और किस तरीके से पुलिस ने खुलासा किया? थाना शाही के अंतर्गत सुबह 8:15 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि एक क्लिनिक है, उसके जो मैनेजर हैं संजय सिंह भदौरिया, इनकी हत्या कर दी गई है। पुलिस वहाँ मौके पर पहुँची और पुलिस के द्वारा वहाँ आसपास लगे जो CCTV फुटेजेज हैं उनको खंगाला गया और ये पता चला कि एक व्यक्ति उसमें इनको धारदार हथियार से मार रहा है। जो मृतक के परिजन है उनसे संपर्क किया गया तो उन्होंने इसकी पहचान की इमरान के रूप में की, जिसकी उम्र 22 साल के आसपास बताई गई। पुलिस के द्वारा इसके बाद इमरान की को पकड़ने के लिए टीम बनाई गई। जो उसको पकड़ने के लिए जब गए तो उसके द्वारा पुलिस की टीम के ऊपर फायर किया गया। पुलिस के द्वारा इसको मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। इसके पास से अवैध असलाह बरामद हुआ है और कारतूस बरामद हुए। पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले में 302 का मामला पंजीकृत किया गया है। साथ ही साथ आपको ये अवगत कराना है कि इसमें NSA की कार्रवाई भी आगे की जाएगी। इसमें जो हत्या का जो कारण है वो त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है, जिसमें कि एक लड़की है उससे जो मृतक है उसके भी संबंध थे और जो ये अभियुक्त है इसके भी संबंध थे। तो इसी वजह से जो अभियुक्त इमरान है उसने संजय सिंह भदौरिया है उनकी हत्या की है। हाँ, जो आला कत्ल है वो भी पुलिस के द्वारा बरामद किया जा चुका है। क्या लड़की की जिससे प्रेम प्रसंग था उसकी भी जानकारी थी हत्या की? इसमें नहीं, जो अभी बाकी जो चीज़ें उसकी विवेचना चल रही है, लेकिन प्रथम दृष्टिया ये है कि अभी इसमें केवल लड़के के द्वारा ही खुद स्वयं ही ये हत्या कारित की गई है। इमरान ने क्या पूछताछ में बताया? क्या उसकी लड़की ने भी उसमें शामिल थी क्या हत्या? नहीं, फिलहाल अभी जो उसका इलाज प्राथमिक चिकित्सालय में चल रहा है, साथ ही साथ ये जो इमरान है ये उसका नज़दीकी और उसके आसपास ही बताया जा रहा है। इसका प्रोफाइल क्या कुछ पता चल सका? इमरान क्या करता है, कहाँ रहता है? नहीं, इसकी पूछताछ अभी जारी है और बाकी और भी डिटेल्स आपको फिर हम बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।